हिंदुत्व की सियासी पिच पर मजबूत बैटिंग करने वाली शिवसेना इन दिनों इसी मुद्दे पर घिरी हुई है। कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने के बाद से बीजेपी हिंदुत्व पर उसकी लगातार परीक्षा ले रही है। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति पर जिस तरह से उद्धव सरकार ने राजद्रोह के आरोप में उन्हें जेल भेजा, उससे महाराष्ट्र में बजरंग बली पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। इस विवाद में उद्धव ठाकरे ने भी एंट्री मारी है और घंटाधारी बनाम गदाधारी की बहस छिड़ दी है। सवाल यह है कि बीजेपी और शिवसेना में हिंदुत्व का गदाधारी कौन है, इसी मुद्दे पर दंगल में करने वाले हैं बड़ी चर्चा। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। हनुमान चालीसा को लेकर शुरू हुए सियासी कांड में इस वीडियो से नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वीडियो में दिख रहा है कि सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में चाय कॉफी पी रहे हैं। राणा दंपत्ति की खातिरदारी का ये वीडियो खार पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी से निकला है, जिसे जारी करने की वजह नवनीत राणा के आरोप है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि पुलिस स्टेशन में उनके साथ बदसलूकी हुई, उन्हें पानी तक नहीं दिया गया, यहाँ तक कि उन पर जाति सूचक टिप्पणी की गई, जिसके जवाब में पुलिस ने ये वीडियो जारी करके उनके आरोपों का जवाब दिया। नवनीत राणा के हनुमान चालीसा पाठ से शुरू हुआ विवाद अब बीजेपी और शिवसेना के बीच मुकाबले का रूप ले चुका है। सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस विवाद को घंटाधारी बनाम गदाधारी बता दिया। उद्धव ने सख्त लहजे में कहा कि उन्हें दादागिरी तोड़नी आती है। मैं आपके घर आना चाहता हूँ, कुछ तो आपको बताना चाहता हूँ, आइए, जरूर आइए, आगत स्वागत आमी करू, पण दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलेलं आहे। उद्धव ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति पर ही था, जिन्होंने मुंबई में मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की जिद ठानी थी। उद्धव ने हनुमान चालीसा के नाम पर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को फटकार लगाई तो बीजेपी पर गुस्सा निकाला। शिवसेना प्रमुखांचं हिंदू तो हेच आहे, त्यांनी सांगितलं होतं की मला देवळात घंटा बडवणारा हिंदू नको आहे, मला अतिरेक्यांना बडवणारा हिंदू पाहिजे। हे कुठले आले घंटाधारी हिंदुत्ववादी? घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये, आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। उद्धव ठाकरे के इस बयान से पहले ही इस विवाद को लेकर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है, जिसने एक नया सियासी महासंग्राम शुरू कर दिया है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब इनसे कोई चीज संभली नहीं जाती तो ऐसी सारी चीजों को बीजेपी स्पॉन्सर्ड बोलते हैं, अपनी नाकामी छिपाने का प्रयास करते हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता वो राणा पति और पत्नी दो लोग क्या कहा उन्होंने, हम जाके हनुमान चालीसा बोलेंगे। अगर जाने देते किसी कोने में जाके हनुमान चालीसा बोलते घर जाते, न कोई न्यूज बनती न कोई उसका कोई इम्पैक्ट होता। अमरावती की मैडम एमपी साहिबा ने जो ऐलान किया था, अगर वैसा ही कोई दूसरे किस्म का ऐलान कर दे कि महाराष्ट्र में बीजेपी के दफ्तर के सामने जाकर हम कुरान पढ़ेंगे, आप क्या करेंगे भाई? अनार्की पैदा करेंगे क्या देश में आप? जहां इस देश को भुखमरी पे बात करनी चाहिए थी, बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए थी, अर्थव्यवस्था का हर क्षेत्र लहूलुहान है, लेकिन देखिए कहां बात हो रही है, लाउड स्पीकर, बुलडोजर, रमजान, रामनवमी, हनुमान चालीसा, मैं यहां पढ़ूंगा, मैं वहां पढ़ूंगी। एक दौर था जब बीजेपी और शिवसेना हिंदुत्व की नाव पर सवार थे, अब दोनों की राहें अलग हो चुकी हैं। रिश्तों में कड़वाहट इतनी ज्यादा आ चुकी है कि पद और राजनीति की गरिमा छोटे से छोटे विवाद में ताक पर रखी जाती है। इसे समझने के लिए राणा परिवार के बारे में उद्धव ठाकरे के एक मंत्री के विचार सुनिए। भाई मुझे पता नहीं कि ये लोगों का मकसद क्या है, क्या संबंध है। हमने बोल दिया कि हमारे मुख्यमंत्री जी सम्मानीय उद्धव जी ठाकरे ने हनुमान चालीसा पढ़ना ही चाहिए, नहीं तो हम मातोश्री में जाके पढ़ाएंगे। अरे क्या जाता है, तू कौन लगा है? अगर तेरे को बोलना है तो जहाँ बोलना है तू बोल, तेरे को जहाँ पढ़ना है पढ़ नहीं, उद्धव जी ठाकरे बोलना चाहिए।
नौकर है क्या? ऐसे ऐसे नारा एक इस हिंदुस्तान। शिवसेना का आरोप है कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा बीजेपी के इशारे पर ये सब कुछ कर रही है, जिन्होंने बीजेपी और शिवसेना के बीच हिंदुत्व की पिच पर सबसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज बनने की नई होड़ शुरू कर दी है। हनुमान चालीसा तो महज बहाना है। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।